कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा योगी गवर्नमेंट में कि इन्होंने हाँ ये काम अच्छा किया भैया जो जहाँ देना है क्रेडिट वहां दूंगा पूजा आरती अच्छी करते हैं पॉलिटिशियन you know, मतलब हो सकता है आप किसी और चीज में बेटर होते पर क्योंकि दादाजी इतने बड़े पॉलिटिशियन थे पिताजी इतने बड़े पॉलिटिशियन थे तो आपको भी पॉलिटिक्स में ही आना पड़ा नहीं देखिए शुरुआत से मुझे एक एक्सपोजर मिला है और जो इश्यूज होते हैं या जो लोगों की समस्याएं हैं बचपन से उस उस संवाद का मैं हिस्सा रहा हूँ गांव के लोग आते हैं अपनी बात कहते हैं चाहे साहब उसको उनके बीच रहते हैं तो मेरा नजरिया ही बिल्कुल शुरुआत से कुछ अलग था बाकी मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी की कुछ देर और वो इसलिए मेरे लिए अच्छा था कि एक पूरे आपको इकोनॉमी का एक लार्जर व्यू मिल जाता है एज़ अपोज टू एनी अदर जॉब चौधरी साहब ने मुझे कभी बैठा के ये नहीं कहा कि आपको राजनीति में आना है इनफैक्ट uh, मैंने खुद ही डिसीज़न लिया और मैंने रिज़ाइन uh, किया अपने जॉब से और uh, तब चॉइस आपको बताया और बल्कि शुरुआत में तो चॉइस साहब वॉज अ लिटल अपसेट वो थोड़े हाँ नाराज़ थे कि भाई क्या प्लान है कैसे होगा एंड ऑफकोर्स बाहर रह कर चीज़ें आसान लगती हैं बट रिश्ते हैं और रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं तो इसलिए ये कोई और मेरे लिए ये कोई बर्डन नहीं है जो लेगेसी है वो बहुत इम्पावरिंग है और एक आशीर्वाद के रूप में मैं इसको देखता हूँ आप बोल रहे बाहर है कि है कि आसान लगती चीजें तो अंदर मुश्किल है प्रेशर है एक पॉलिटिकल फैमिली से आने का क्योंकि सच्ची बात आपने बोली है, बाहर के लोग सोचते हैं कि अरे इनको क्या दिक्कत ये लोग सब बड़े पॉलिटिकल फैमिली से तो course, है प्रेशर किसी तरीके का सवाल ये है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं कोई पर्सनल ग्रेटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए बिकॉज लाइक यू सेड ऑलरेडी मैं इतना प्राउड हूँ अपने फैमिली के लेगेसी के बारे में जो चौसाब ने काम किए पिताजी ने जो काम किए कि एक तरह से वो लड़ाई नहीं रह गई है कि मुझे अपना कोई वर्चस्व स्थापित करना है तो इसलिए अगर मैं कर रहा हूँ इट डिपेंड्स कि अगर आपका रीज़न क्या है इट हैज बी द राइट रीज़न राइट और आ, मेरे पर्सनैलिटी का ट्रेट है मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता वरना तो लेने को तो यहाँ इतना स्ट्रेस है अगर आप आ, किसी संगठन में आप टॉप लेवल पे है आपको सारे डिसीजंस लेने हैं सारी जिम्मेदारी आपको लेनी है डिसीजन सही रहा तो ठीक है और कभी कभी खराब रहा तो फिर आपको उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है तो अब पहला चुनाव है और परीक्षा की घड़ी है मेरे लिए भी और हमारी पार्टी हम लोग जैसे जो लोग हैं कभी सोच भी नहीं सकते पॉलिटिक्स में आने का कि कोई कोई आधार ही नहीं है क्योंकि इतना हम लोग को लगता है कि जिसकी पॉलिटिकल बैकिंग है या जिसकी पॉलिटिक्स फैमिली में कोई पॉलिटिशियन रहा है वो ही आ सकते हैं इस इस, नहीं, इस होता होता भी भी है है आप है। सिर्फ ऊपर के लेवल पे नहीं आप नीचे भी जाके देखेंगे तो आज प्रधान का चुनाव भी अक्सर वही लोग लड़ रहे हैं जिनके परिवार में कभी बाप दादा चाचा कभी घर में भाई बहन कभी उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं तो क्योंकि सिस्टम में जब आप आते हो तो आपका एक अंदर से दिखता है कि कैसे कैसे काम करना है अपने आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है कैंपेन कैसे करना है इतना आसान नहीं है लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि इस दायरे के बाहर के लोगों को अवसर मिलना चाहिए बिकॉज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई क्लोज हम ये कोई ट्रस्ट या सोसाइटी या कंपनी नहीं चला रहे हैं ये ओपन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इसलिए जब मैं अब अध्यक्ष बनाऊ तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ से भी जो लोग

कोई कोई यूथ की प्रॉब्लम्स का मुझे नहीं लगता ग्राउंड पे कोई समाधान है हमने आ, एक इवेंट दिल्ली में किया था और विपक्ष के सारी पार्टियों को निमंत्रण दिया था उसमें कांग्रेस भी आई थी आरजेडी सपा समाजवादी कई पार्टी के प्रतिनिधि आए थे और हमने ये कॉल दी थी कि अगर आप आ, मतलब पच्चीस साल की उम्र के पहले आप किसी विधानसभा सदन में आप सदस्य नहीं बन सकते जबकि आप पहले वोट कर रहे हैं शादी कर रहे हैं अपना व्यवसाय कर रहे हैं सब सारे निर्णय जीवन के अब 20, 21, 22 साल तक अपने बच्चे लेने लगे हैं लेने लगे सो सो नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स वी मेड अ कॉल एंड दिस बिफोर लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन राइट कि एक दोबारा मूवमेंट चलना चाहिए कि अब उस एज को कम से कम आप 21 साल तो कर दो वॉट एज सर जो आपके पार्लियामेंट में hmm. अगर आप सदस्य hmm. का, का चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का या आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप 25 साल के होने चाहिए उससे कम उम्र में आप प्रधान बन सकते हैं जो इतना इम्पोर्टेंट पद है शायद देश में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आ, इकाई है वो पंचायत की ग्राम पंचायत की इकाई है वो चुनाव आप लड़ सकते हो लेकिन आप विधायक नहीं बन सकते तो आपको लग रहा है वो एज भी कम कर देनी चाहिए। कर, कर देनी देनी चाहिए चाहिए बट हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर यू नो एज अ पोलिटिकल लीडर इन यूपी दैट द यूथ गेट वॉट इज ड्यू फॉर देम जॉब्स एम्प्लॉयमेंट यू नो सी अगर सरकार आएगी तो आपके पास काम करने के बहुत तरीके हैं पहले तो बजट uh, भी इस तरह का होना चाहिए बजटिंग का भी हिस्सा यूथ को एक शेयर मिलना चाहिए यूथ की बजटिंग अलग से होनी चाहिए कम से कम एक आंकड़ा मिल जाए लोगों को कि यू नो विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ पे कितना खर्च हो रहा है यूथ डेवलपमेंट पे कितना खर्च हो रहा है एजुकेशन जैसी फील्ड जो युवाओं को विकसित करती है उस क्षेत्र में सरकारें कितना खर्च कर रही हैं पहले तो हमारा ध्यान उस तरफ जाना चाहिए अच्छा फिर एम्प्लॉयमेंट का आपको पता है डेटा ही नहीं है सरकारें कुछ ही दावा कर लें कुछ प्राइवेट थिंक टैंक्स डेटा निकालती हैं सीएमआई डेटा निकालती है और सरकार उसको भी सवाल कर देती है हरियाणा की सरकार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम हम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो अगर बेरोज़गारी पर अगर आप कुछ छापोगे तो सरकार की नज़र जो है पूरा दबाव आप पर पड़ जाएगा तो हुँ. डेटा भी विकसित होना चाहिए वो डेटा पॉइंट सरकार के पास होने चाहिए हमारे यहाँ दफ्तर हैं जो ये मेंटेन करते हैं लेकिन पंजीकरण होता ही नहीं बच्चों का वहाँ सरकारी नौकरी निकलती है भर्तियाँ निकलती हैं यूपी में इतनी बुरी हालत है बार बार इम्तिहान होता है पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है उनको कभी भी ज्वाइनिंग तब भी नहीं मिल पाती विभिन्न विभागों में ये चीज़ें हुई हैं और फिर जब वो जाते हैं लखनऊ तो फिर उनको लाठियों का सामना करना पड़ता है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से सुलझाई जा सकती हैं और फिर हमें इनोवेशन को स्पर्क करना है हमने अपने मैनिफेस्टो में कुछ कई इनोवेटिव चीज़ें रखी हैं जैसे हमने कहा कि जो सौ पेटेंट होंगे जो जो न्यू टेक्नोलॉजी के फील्ड में है चाहे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो चाहे आर्टिफिशियल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन के फील्ड में अगर कोई वैज्ञानिक अगर कोई युवा कुछ पेटेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट विल गिव दम अ ग्रांट ऑफ वन करोड़ अ ईयर थिंग्स लाइक दैट दैटन आइडियाज लाइक दैट आप देंगे सच में क्योंकि बोल आज अगर हम ये सोच रहे हैं हाँ। जो ये नए थॉट्स हैं उनको हम एक एक मंच दे रहे हैं और उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं तो जरूर हमारी इच्छा शक्ति काम करने की है और यह हो सकता है सर कि इतना बड़ा अमाउंट की तरह दिया जा सकता है? आप देखिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने टेक सेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ किया तो हमारा फोकस होना चाहिए उस तरफ काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर यू गोइंग टू क्रिएट फॉर यू नो पीपल ऑन द ग्राउंड कैसे वॉट इज दूशन ऑफ यू से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है बीजेपी के काल में तो आपका कोर सोल्यूशन क्या है कि जॉब बड़ी जिम्मेदारी पर... आप मुझसे सच पूछेंगे तो केंद्र सरकार की है क्योंकि अच्छा। अब जिस तरह का मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं वो जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हमें ले जा रहा है और अभी जो आंकड़े आए हैं कि आ, पिछले पाँच वर्षों में बीस जो सबसे गरीब आबादी है उनकी आय घटी है पचास एंड द क्रीम फाइव वो मौज कर रही है तो एक केंद्रीकरण हो रहा है स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है रियल इकोनमी उसे मैच नहीं कर पा रही जो असंगठित क्षेत्र में जो काम थे जो कारखाने जो ज़्यादा रोजगार देते हैं वे उठ नहीं पा रहे और जो लिस्टेड टॉप 200, 300 कंपनीज हैं वो सारा मार्केट शेयर ग्रैब कर रही हैं तो कुछ तो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे हमें पॉलिसी करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी बाकी स्टेट ये कर सकती है कि जो स्टेट में जॉब्स हैं वो कम से कम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से समय रहते लोगों को मिल जाए उसमें कोई पक्षपात ना हो और उसमें भ्रष्टाचार ना हो पाए ये सरकार के हाथ राज्य सरकार के हाथ में है okay. और प्राइवेट सेक्टर को आप इंसेंटिवाइज कीजिए हमने टारगेट दिया है कि एक सेक्टर है जो एग्रीकल्चर में हम ये बार बार कहते हैं कि, कि किसान को दाम नहीं मिलता उसका सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन ये है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को भी आपको बढ़ाना होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आपको बढ़ाना होगा तो हमने टारगेट दिया है ट्वेंटी करोड़ का पच्चीस करोड़ का हम निवेश इस सेक्टर में लाएँ इसके लिए सरकार नीति बनाए बनाए प्रयास करे okay. तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर इस तरह के हम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लाएंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ जिन सेक्टर्स में ग्रोथ पॉसिबल है वो हो सकता है सर यू थिंक पॉपुलेशन इज प्रॉब्लम स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश नहीं आर टी एफ आर इज ड्रॉपिंगिटी रेट्स आर ड्रॉपिंग एंड यू नो जो ग्लोबल नॉर्म है इंटरनेशनली रेकग्नाइज नॉर्म है उसके अंतर्गत हम आ रहे हैं सेकेंड पहलू ये है कि यू एन के, के कायर अग्रीमेंट में सरकार ने कई दो या तीन दशक पहले ये, ये एक समझौता किया था कि हम कोई भी ऐसा नेगेटिव इंड्यूसमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं करेंगे okay. और पॉपुलेशन अगर हमें नियमित रखनी है तो उसका एक ही तरीका है विमेंस एम्पावरमेंट अगर हमारी महिला सशक्तिकरण की तरफ ध्यान होगा उनकी शिक्षा के लिए समाज में उनको बराबरी दिलाने के लिए तो अपने आप चीज़ें कंट्रोल में आएंगे एंड हाउ डू थिंक वीमेन आर गोइंग टू बी एम्पावर्ड इन यूपी कुछ तो महिलाओं को भी करना पड़ेगा विद इन देयर ओन फैमिलीज़ कि जो पैरूकल एटीट्यूड्स हैं उनको आप बर्दाश्त करना बंद करो कुछ हमें राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी महिलाओं को ज़्यादा दी जाए इस इस ध्यान देना चाहिए तीसरी बात यह है कि सेंसिटिव पुलिसिंग सरकार डंडे से नहीं चल सकती और पुलिस डंडा चला के उसका कोई विश्वास कायम नहीं रह सकता ठोक दो ठोक दो की बात कह, कहना आसान है लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ता है कि आम जनता पुलिस से डरने लगी है और उसमें एक पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है कि महिला पुलिस कुछ कुछ जगह पे आपने देखा लखनऊ में पिंक थाने बना दिए महिला पुलिस की पदों के लिए आरक्षण है लेकिन वो पद भरे नहीं जा रहे हैं और अभी शायद तैंतीस परसेंट है बिहार में यूपी में हमने घोषणा पत्र में रखा है कि पचास परसेंट हो ताकि आप जो भरतियाँ हों यस क्योंकि अगर आ, महिला पुलिसकर्मी होगी वो लाठी नहीं चलाएगी वो बेवजह जो है नागरिक पे वार नहीं करेगी वो शायद बेहतर समझा पाएंगी पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छा। वहीं से रिस्पेक्ट ऑफ लॉ आएगा और जब उस तरह की हम सेंसिटिव पुलिसिंग कर पाएंगे तो तभी आ, महिला भी सुरक्षित महसूस करेंगे तो ये आपके हिसाब से तीन चीजें होनी चाहिए ताकि सेफ्टी बड़े स्टेट में सर पुलिस रिफॉर्म्स एक बहुत जरूरी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ये तो देखिए पुलिस के जो जो हायर लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश केस था जो एक बहुत प्रसिद्ध केस रहा उन्होंने बड़े गाइडलाइन स्टेट्स को दिए कुछ का पालन हो पाया है कुछ का अभी भी अनुपालन नहीं हो पा रहा अच्छा। जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो और फिक्स टेन्योर सीनियर लेवल पे ऑफिसर्स को मिले इन्वेस्टिगेशन और जो और पुलिस की ड्यूटीज़ हैं उनको अलग किया जाए अब वही पुलिसकर्मी जो है वो मर्डर भी उसे सॉल्व करना है और केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रोग्राम लग गया तो उसे छः घंटे के लिए खड़ा कर दिया जाएगा उसे क्या पे मिल रही है क्या तनख्वाह मिल, मिल रही है क्या अलाउंसेज मिल रही हैं उसका रहने वाला बागपत का है ड्यूटी उसकी गोरखपुर में लगी हुई है तो हम बहुत अच्छी सेवा चाहते हैं उनसे लेकिन क्या उनका मनोबल अच्छा है उनके सेवा स्तर को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो उनकी जो जो सर्विस कंडीशंस हैं उस ओर हमारा ध्यान भी जाता है कि नहीं जाता ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जुड़े हुए हैं। तो तो आपको लगता है ये ठीक किया जाएगा तो पुलिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूपी की, की ये ही है। आप इन्वेस्टर करिए, लाखों करोड़ की घोषणा कर दीजिए वो पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक उद्यमी को ये विश्वास नहीं हो कि हाँ रूल ऑफ लॉ है और वो सब अप्लाई करता है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी फॉर द अपकमिंग यू पी इलेक्शन और आई थिंक उस तरह कुछ दो तीन डिसीजन उसी समय अगर सही ले लिए होते तो उस तरह से वो बात आगे नहीं बैठती वो रुकती नहीं और मैंने और अखिलेश जी ने बैठ के उस सम्बंध में बातचीत भी किए तो उनको भी ये realization है। अच्छा? हाँ इतना आपने, बड़ा event था सबको हाँ, नुकसान हुआ। आपने मुझे बात की है हाँ। बात हमारी हुई है सेकंड इम्पोर्टेंट था कि जो उनके स्कीम्स थे अच्छे थे जैसे लखनऊ में मेट्रो हो गया लैपटॉप वितरण हो गया बट आई स्टिल फील के जो ये बड़ा आसान फल है लेके आपने खा लिया और जनता को दिख जाता है कि देखो काम हो रहा है बट कई और चीज़ें हैं जो ज़मीनी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई अब जैसे एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे प्राइमरी लेवल के बाद देश में सबसे ज़्यादा गर्ल का ड्रॉप आउट रेशियो यूपीज देर मतलब बहुत ख़राब स्थिति है तो उन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये आपको ये, ये आई बॉल ची, आई बॉल ग्रैब करने वाली नीतियाँ अच्छी होती हैं पॉलिटिक्स के लिए बट हमें दूसरी चीज़ों पे भी ज़्यादा ख्याल रखना है तीसरी बात ये थी कि लखनऊ यूपी इतनी बड़ी है लेकिन मुख्यमंत्री को निरंतर प्रयासरत रहना है कि उनका दायरा सीमित ना रहे यानी ग्रास रूट्स में उनके कार्यक्रम उनका संवाद जनता से लगातार बना रहना चाहिए आपने अलायंस किया है अखिलेश यादव के साथ हाउ इज एज आउटसाइड हिज पॉलिटिकल पर्सोना सुनते हैं बात लेते हैं क्रिटिसिज्म लेते हैं बोलते हैं कि हाँ ये गलती हो गई चलो आगे yeah, course, बहुत काफी ओपन है और हमने बहुत ओपन बातचीत की है और आ, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है अच्छा? स्मा, स्माइल करते हैं योगी जी को आप मैंने तो ज्यादा देखा नहीं स्माइल करते हुए नाराज ही देखा है तो वो एक पर्सनैलिटी में एक सीधा दिखता है कि एक होती है जिससे आपको ज्यादा बात भी करने की जरूरत नहीं आपने बस उनको देख लिया कुछ एक होता है ना एक कनेक्ट एक हाँ एक, एक वाइब एक मिलती है या एक फीलिंग आती है तो वो उनमें महसूस होती है कि यस अखिलेश जी में वो है आप मिले योगी जी से Course, में हम साथ थे अच्छा तो उनसे बातचीत हुई कभी तो उनसे क्या आती है? अलूफ रहते थे। बस हमारी नमस्कार होती थी आ, वो, उनसे वो बयान देते हैं हमेशा आक्रामक हमेशा उसमें लोगों को ताकि कहीं ना कहीं किसी को कोई बात चुभे एट्टी ट्वेंटी ये चीजें फिर भी विपक्ष का नेता बोलता तो समझ में आता कि वो कहीं डेस्परेशन आ रही है सत्ता में रहते हुए इस तरह की बात करना जो बेहद खतरनाक है और जिससे माहौल बिगाड़ा जा सकता है एट्टी hmm. ट्वेंटी पे भी मैं आऊंगी आई रियलीस्टेंड विस एट्टी ट्वेंटी इज बट सर मुझे एक बात बताइए योगी गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ ज बीन क्लेमिंग कि एनसीआरबी का जो डेटा है उसके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वेमेन सेफ्टी हमेशा मुद्दा रहा है यूपी के लिए बट वो बोल रहे हैं एनसीआरबी डेटा को कोट करके कि अखिलेश जी के समय से अब उनके समय में ड्रॉप हुआ है नंबर विच मीन्स वुमेन सेफ्टी बेटर हुई है सिचुएशन अच्छी हुई है यूपी में आपको क्या लगता सिर्फ है सिर्फ 1920 का यह आंकड़ा है उसके पहले 2016 से लेकर 2019 का होम मिनिस्ट्री के एनसीआरबी के हर साल के रिपोर्ट्स देखेंगे किडनैपिंग बढ़ी है एस सी के विरुद्ध अपराध बढ़ा है महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ा है और अभी भी देश में सबसे ज़्यादा अपराध अगर कहीं हो रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध वो यूपी में ही हो रहे हैं उन नाव में आपने देखा किस तरह से सरकार पूरी सरकार ही जुट गई थी उस फैमिली ने क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा तब जाके मीडिया ने उसको उठाया हम लोगों ने सवाल करने शुरू किए तब जाके सरकार पे कोई दबाव बना वरना सेंगर जी तो अभी भी उनके बगल में बैठने वाले थे कोई कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं करी हाथरस में आपने देखा किस तरह सरकार पूरी जुट गई थी कि मामला को दबाया जाए मामला प्रकाश में ना आ पाए तो ऐसा नहीं है कोई कोई मार्क्ट इम्प्रूवमेंट नहीं है अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है अखिलेश जी के समय पे भी सेफ्टी uh, की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी इनफैक्ट कल भी मैं, मैं मैं देख रही थी एन थे कोई अखिलेश जी के सामने गाड़ी में कोई उनकी गाड़ी के आगे कूद गई एक महिला और वो बोल रही है मेरी बेटी को आप लोग के अध्यक्ष ने या किसी आप लोग के उप ने या कार्यकर्ता ने सपा के अगवा करके रखा है तो इस टाइप का गुंडागर्दी गुंडाइजम अखिलेश जी के समय पर भी बहुत था वो अगर इस बार जनता को कैसे यकीन हो कि अगर अखिलेश जी वापस आ रहे हैं आप उनके साथ आ रहे हैं तो ये हट जाएगा गुंडागर्दी और राउडीज़म जो होता था मंत्रियों का वो नहीं रहेगा आप लोग कैसे श्योर sure करेंगे इसको? देखिए वो भी विपक्ष में रहे हैं। उनको भी फीडबैक मिल रहा होगा और उन्होंने शायद नारा दिया है नई समाजवादी पार्टी तो अच्छा। एक एक नयापन वो भी अपने काम का आज में लाने की कोशिश करेंगे मैं ये नहीं कह रहा कि गुंडाजम था ये एक प्रोपागेंडा का भी एक हिस्सा हो सकता है और वन ऑट केस को उठाकर हम अलग ढंग से पेश कर सकते हैं बट सिंपल फैक्ट ये है कि हम तो फिर भी सुनने को तैयार है ओके। आ, योगी जी तो मान ही नहीं रहे कोई प्रॉब्लम है योगी जी के हिसाब से तो स्वर्ग है उत्तर प्रदेश अच्छा किसान की आय दुगनी हो गई है महिलाएं सुरक्षित है गहने लाद कर जो है वो रात के अंधेरे में कहीं जा सकती हैं गृह के हमारे देश के और गृह मंत्री कह चुके हैं योगी जी इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि दूरबीन से देखना पड़ता है सारे गुंडे भगा दिए द फार्मर्स प्रोटेस्ट फ्यूल्ड योर कॉन्फिडेंस की अब इसको मुद्दे को लेकर इसको हम सेंट्रल मुद्दा बना के वापस आ सकते हैं बट आई वॉन्ट टू आस्क यू फर्स्ट आउट ऑफ द मोर देन 200 डेज दे सैट ऑन द स्ट्रीट्स आप उनके साथ कितने दिन ग्राउंड पे बैठे थे नहीं मैं गया हूँ सारे मोर्चों पे मैं गया और मैंने लंगर सेवा करी कहीं भी मैंने जाके ये नहीं कहा कि मुझे भाषण देना है या मुझे मंच पे स्पेस चाहिए और उसके बाद 50 से ज्यादा किसान पंचायत आर ने खुद करी है और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई आयोजन नहीं किया जहाँ आयोजन हो रहे थे वहां गए होंगे लीडर्स गए मैं भी गया लेकिन किसी पार्टी ने अपने बैनर पे किसान पंचायत का कहीं कोई आयोजन नहीं किया राष्ट्रीय लोकदल ने किया कि दबाव बने जब उन्होंने ये कहा कि ये तू पश्चिम यूपी के ही चंद किसान मुट्ठी भर किसान हैं तो फिर हमने जाके अलाहाबाद में आयोजन किया हमने नेपाल के बॉर्डर पे लखीमपुर पे जाके आयोजन किया कि यहाँ भी किसान हैं इनकी भी भावना जुड़ी हुई है सो वो मैसेजिंग बड़ा क्लियर था कि एज ए पोलिटिकल पार्टी हमारे वर्कर्स भी डे वन से वहाँ जुटे हुए थे और हमारा पूरा प्रयास था कि सरकार पे हम दबाव बना के रखें कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आ रहा है कि बहुत सालों बाद इस तरह का माहौल बना है और होना भी चाहिए किसान का अपना एक आ, एक पहचान होनी चाहिए और वो सामाजिक पहचान है वो राजनीतिक पहचान भी होनी चाहिए उनकी वोट वोट बैंक भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है किसान अगर वो किसान बन वोट करेगा मैं तो कहता हूं अगर आप हिंदू मुसलमान बन के वोट करोगे तो हमारी राजनीति कभी सफल हो ही नहीं सकती बट किसान मैं तो, के के वोट के वोट करोगे तो हो सकती है यस नॉट तो आपको लगता है है किसान वोट बैंक एक है और उनको होना चाहिए बिल्कुल उनका प्रेशर रहना चाहिए जनप्रतिनिधियों पर सभी सरकारों पर उसमें कोई बुराई नहीं है उनका अगर वो उनको वोट बैंक की तरह भी ले रहे हैं अगर ऐसा चैम और फिक्की मीट कर सकते हैं और वित्त मंत्री से वित्त मंत्री तो खुद जाते हैं उनके पास बजट के पहले

So, कुछ दिक्कत हुई सर बीजेपी के साथ कुछ इतनी दिक्कत मैं आपको एक एक दशक पहले ले जाता हूँ कि राजनीति इस तरह से नहीं थी अब बिल्कुल पोलराइज हो गई है हाँ। अब या इस पार या उस पार की बात होती है पहले जिस तरह का एक संवाद होता था खुला संवाद होता था विपक्ष में आप हो फिर भी आपके काम हो जाते थे आपकी सुनवाई होती थी आपकी एक इज्जत थी अब उस तरह का नहीं है तो अब तो विनर टेक्स ऑल की राजनीति हो गई है और इसको बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी ने खुद दिया है अच्छा जब वो सत्तर साल की बात करते हैं वो यही कहते हैं कि पिछली सरकार ने सरकारों ने देश में कुछ किया ही नहीं है अब तो सब कुछ मोदी जी ही किए हैं तो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे और यही कारण है कि उनके साथ अभी कोई अलायंस पार्टनर खुश नहीं है दे अच्छा। हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ अलायंस पार्टनर्स पहले जो बीजेपी थी इस तरह की शायद नहीं थी और जब हम चुनाव उनके साथ लड़ते थे Uh, that was before, pre riot. हमने महसूस किया कि उस उस दंगे को भड़काने में और उसका लाभ उठाने में बीजेपी नंबर वन रही अच्छा तो इसलिए मैं आपको बड़े खुले तौर से कह रहा हूँ कि उसके बाद हमने उनके लिए उनके पक्ष में ना तो कोई हमारा बयान है ना कोई प्रयास तो आपको पहले आप जब बीजेपी के साथ थे तब आपको ठीक लगती थी उनकी आइडियोलॉजी वाजपेयी जी थे मोर लिबरल एंड डेमोक्रेटिक लीडर So, आपको पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है लाइक से प्रॉब्लम है, हाँ, अब उनकी से प्रॉब्लम है। अब वही पार्टी है वही उनकी पॉलिटिक्स है अच्छा अच्छा, अच्छा सर कट्टरता की तरफ जा रहे हैं अच्छा ये आप अभी एट्टी ट्वेंटी बोल रहे थे सबसे पहले तो सर प्लीज मुझे समझाइए ऑडियंस को भी समझाइए क्या है ये What is 80 -20? Like I don't know what what is this figure? देखिए योगी जी is trying to polarize. Okay. क्योंकि roughly 18, 19, 21 माना जाता है मुस्लिम पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की अच्छा तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो इक्वेजन है हाँ। उसमें वो तो फिट बैठते ही नहीं है अच्छा वो वो एक जैसे डॉग विसल होता है ना कि हमें सुनाई नहीं देता लेकिन जिसको वो बताना चाह रहे हैं उसको वो बता रहे हैं तो जो कट्टर व्यक्ति है उसको वो कह रहे हैं कि देखिए अब आपका राज है हिंदुओं एकत्रित हो जाओ तुम्हारे ऊपर बड़ा खतरा है वही उनकी पॉलिटिक्स है तो उसी तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जबकि मैं मानता हूँ कि सौ के लिए उनकी जवाबदेही है और सौ आबादी के लिए वो जिम्मेदार है एंड यू uh, और अखिलेश यादव आर नॉट प्रोजेक्टिंग एनी सच यू नो कास्ट वाइज और रिलीजन वाइज दैट्स वेरी डेंजरस ना फिर कहाँ जाके आप रुकोगे Hmm. फिर तो गिरते ही चले जाओगे हां बट का इज इन कास्ट और रियलिटी uh, संविधान का आपका सम्मान करना पड़ेगा हम सर यू थिंक कास्ट इज अ ऑफ कोर्स इट्स रियलिटी ऑन द ग्राउंड इन यूके कास्ट इज अ रियलिटी यू कैन नॉट डिनाय कास्ट यू कैन नॉट डिनाय के सदियों का शोषण है जो इन लोगों ने सहा है हम hmm. और इसीलिए ये कार्यक्रम बनते हैं कि आप उस सिस्टम से उस व्यवस्था से उनको बाहर निकाल पाओ hmm. इस पीढ़ी को ना निकाल पाओ तो अगली पीढ़ी को वो विश्वास दिलाओ सो आई डोंट डिनाई कास्ट गांव में आप जाओगे अभी आपको दिखेगा हाँ. आप रिक्नाइज करेंगे कास्ट को सरकारी स्कीम्स में जो बैलेंस होना चाहिए वो बनाने की कोशिश करेंगे सबकी भागीदारी हो और सबको बराबर सम्मान मिले इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए मैं आपको, आपको बता रहा अखिलेश जी का सच में क्या अंदर से है सच में है कि भैया देखो हम नए विचार के हम नए कास्ट है ग्राउंड पे तो कास्ट एक एक कास्ट को तो हमको करना ही पड़ेगा केटर उस हिसाब से भी सोचते हैं आप लोग क्योंकि राजनीतिक भागीदारी अगर आप नहीं देंगे तो वो फिर आपसे सवाल करेंगे आप हमें मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हो हमें नौकरी भी चाहिए हमें अच्छी शिक्षा भी चाहिए लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में भी हमें आ, अपने लोग चाहिए तो आपको वो केटर करना पड़ता है लेकिन आप ये नहीं कह रहे हो कि आप हमें इसलिए वोट दें क्योंकि हम इस जा, जाति से आते हैं अखिलेश जी नॉट वेयरिंग हिज यादव कास्ट ऑन हिज स्लीव आई एम नॉट टेलिंग द वर्ल्ड आई एम अ जाट सो वोट फॉर मी ओके अंतर इतना है ओके ओके राइट एंड यू नो यू जैसे बीजेपी I... कह रही है हम हिंदू हैं हिंदुओं है, की पार्टी आपको पता है बीजेपी के प्रत्याशी गए हैं

एग्जिस्ट this. This नहीं, नहीं करती या ये प्रचार नहीं बिल्कुल प्रचार है hmm. और प्रोपोगंडा से अगर हमें लड़ना है तो सबसे पहले हमें अक्नॉलेज करना पड़ेगा कि प्रोपोगंडा कितना पावरफुल होता है hmm. और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में एक चैलेंज हो रहा है गवर्मेंट्स के लिए जैसे आजकल जो सिविल सोसाइटी में कभी कभी अफवाह को लेकर भी मूवमेंट चल जाते हैं गवर्नमेंट उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि अब वो सोशल मीडिया के कारण आ, बहुत जल्दी चीज़ें फैलती हैं मैं ये मानता हूँ कि सिटीजन्स को खुद ही अवेयर होना चाहिए जैसे अब लोग जानते हैं कि सारी चीज़ आप टेलीविजन पर देख रहे हो सही नहीं है पर्दे के पीछे कुछ चीजें होती हैं तो कैसे? उसी तरह सारी जो चीज आपके व्हाट्सएप पे आ रही है जो फॉरवर्ड है ये भी सही नहीं क्या ये है, जो सर? Young है जो हमारे लोग हैं जो हमारे कैडर का हिस्सा है ये मैसेजिंग ये हम उनको दे रहे हैं और वो उस बात को आगे पहुंचा रहे हैं so हाँ। आपको ग्राउंड पे कैसा पब्लिक सपोर्ट लग रहा है काफी बाद आप लोग लोगों ने मन बना रखा है अच्छा हम लोग अब देखिये जिस तरह की सभाएं हो रही थी जो हमारा आकलन था अगर सौ का हाँ। तो दस हजार की संख्या में लोग आ रहे थे हाँ। और अपने आप अप, अपने साधनों से दस दस किलोमीटर दूर उन उनके साधन रोक दिए गए हैं वो पैदल चल के आ रहे हैं और उत्साह के साथ आ रहे हैं वो शांत होकर बैठ के आपकी बात नहीं सुन रहे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वही चीज हम देख रहे हैं कि जब टिकट वितरण हो रहा है तो जो आ, जो भी मच्योर पॉलिटिशियंस हैं दूसरी पार्टियों में हैं जिनको लग रहा है कि हाँ हमें चुनाव लड़ना है वो सब इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं हमारी पार्टी हमारे गठबंधन को कोई छोड़ के उस तरफ नहीं जा रहा वहां से लोग आ ही रहे हैं बल्कि हमें रोकना पड़ रहा है तो ये एक संकेत है कि एक सेंटिमेंट है कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा योगी गवर्नमेंट में कि इन्होंने हाँ ये काम अच्छा किया भैया जो जहाँ देना है क्रेडिट वहां दूंगा तो एनी थिंग एनी थिंग यू थिंक यूपी हैज डन बेटर मैं सोचता हूँ जब अगली बार इंटरव्यू करेंगे शायद तब तक कुछ आ जाएगा क्या सही में बताइए सब चीज तो ध्वस्त कर दी और जिस तरह का सेंट्रलाइजेशन और पावर हो गया विधायक बीजेपी के आपको पता है कि सदन में धरने पे बैठे हुए थे विधायक पॉलिटिकल सिस्टम में जो शामिल लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुख्यमंत्री जी ऐसा लगता था कि पहले घोषणा करते थे बाद में बैठ के सोचा जाता था कि करना कैसे है दो या तीन ऑफिसर स्टेट को चला रहे हैं तो सूझबूझ से पाँच साल में आ, बड़ा दुख होता है सोच के काम नहीं हो पाया कुछ भी आपको लगता अच्छा नहीं हुआ पूजा पाठ अच्छी हुई है और दिए अच्छे लगाए गए हैं आरती अच्छी करते हैं योगी जी कोविड का देखिए इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है हु� उसको भी अच्छा दर्शाने में लग गए कि देखिए इतनी बड़ी उपलब्धि रही हमारी क्या उपलब्धि रही क्या तैयारियां थी सरकार की आज अगर थर्ड वेव फिर दोबारा उठने लग गया कोविड के ये हम मान नहीं सकते कि चीज़ खत्म हो गई बिल्कुल तो भी भी अभी भी हमें सतर्कता बना के है सर हेल्थ केयर में आप लोग क्या करने वाले हैं यूपी में हेल्थ पे जो ग्लोबल नॉर्म है कम से कम उतना खर्च होना चाहिए विच इज़ अबाउट यू नो हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ डिजर्व बिटवीन अपवर्ड्स ऑफ एट परसेंट विच इज़ नॉट राइट नो एक साल में हुआ उसके अलावा नहीं हो पा रहा और व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है भर्तियाँ समय पर नहीं हो रही तो एक तो आपको एच आर भी ध्यान देना पड़ेगा सिर्फ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बनाने जो आपके सिस्टम में जो डॉक्टर्स हैं जो 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 पैरा नर्सेज हैं उनको भी आपको मोटिवेट करना पड़ेगा हुँ. और हमने अपने घोषणा पत्र में कुछ इनोवेटिव चीज़ें रखी हैं जैसे आ, सबसे बड़ी बात है डायग्नोसिस नहीं होता तो अगर आप गांव देहात में कभी मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करें मैं किसान ट्रस्ट का चेयरपर्सन हूँ हम करते रहते हैं इतनी भीड़ आती है इतनी भीड़ आती है समान चीज़ों पर जो बहुत ही मतलब आसान है करना क्योंकि वो चिकित्सा के केंद्र गांव में उस तरह से पीएचसी एच काम ही नहीं कर रहे हैं तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स की ज़रूरत है तो हमने कहा कि मोबाइल डायग्नोस्टिक सेंटर्स क्यों नहीं हम बनाए सो दैट दे विल बी ट्रैवलिंग गांव के स्तर पर हम मेडिकल क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य मित्र या कोई इस तरह का पद क्रिएट करें और उनको हम ट्रेनिंग दें कि वहीं पे जहां प्रॉब्लम आ रही है ओरिजिन में

लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं हो रहा एटी ट्वेंटी से कुछ नहीं हो रहा आज हमारी लड़ाई जिन्ना और औरंगजेब से नहीं है सो पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत हम अगर जब लोगों को बुला रहे हैं और लोग आ रहे हैं लोग बात सुन रहे हैं कहीं ना कहीं वो मैसेज नीचे तक पर्कुलेट हो रहा है अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स ओके एवरी इलेक्शन इफ यू लुक एट इट ये तो बाद में हम कहते हैं कि इस कारण हुआ उस कारण हुआ लेकिन जब वोट जब आपके जेब पे चो, चोट चोट पड़ती है ना जब आपके घर गृहस्थी चलाने में आपको दिक्कतें आती हैं वहीं से फिर आदमी सोचना शुरू करता है जो इनसे यू कम अक्रॉस इज अ वेरी शाई पर्सन आर यू अ शाई पर्सन नॉट एट ऑल आई एम जस्ट फीलिंग कोल्ड नो एंड एंड अदरवाइज व्हाट व्हाट डू यू व्हाट डू यू लव टू डू लाइक डू यू वॉच अभी तो बिजी चल रहे होंगे आप बट अदरवाइज डू यू वॉच मूवीज सोचने movies, का टाइम नहीं है वरना हां जो अगर कोई देखने का मौका मिले लंदन में क्या करते थे और बच्चों आप? के साथ माय फैमिली

कोई नहीं पूछता आप मतलब कहाँ से आए हो ठीक है भाषा आपकी अलग है हुँ. लेकिन कनेक्शन आपका उस कारण से नहीं बन पड़ा नॉट रियली आई डोंपिस्ट मूवीज अगर मूवी हो तो जैसे रियलिस्टिक हो या कुछ अलग कॉन्सेप्ट हो जिंदगी ना मिले दोबारा जो एक ट्रेवल बेस्ट फिल्म थी हिंदी में वो अच्छी लगी थी वो आपको अच्छी लगी थी अमीर थी। लोग जाके घूम आए हैं बाहर नहीं इट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑन द ट्रैवल थिंग सो दो सॉर्ट ऑफ फिल्म्स यू कैन वॉच ठीक है ओके थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सर एंड इट वाज अ ग्रेट चैट थैंक यू